और अब उन बेरोजगारों के हक के लिए आवाज उठाई है जो 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनके भर्ती का विज्ञापन तो उत्तर प्रदेश में 2016 में निकला था, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई। की वैकेंसी सर अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ पेपर में अप्लाई करने से सर नहीं हो, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मानसिक रूप से बहुत परेशान है। नौकरी देखन जो मैं चला, नौकरी मिला न कोई, देख उपेक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की, बड़ी निराशा हुई। हाथ में पोस्टर लेकर ये लोग ऐसे ही अभी से नहीं, 8 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, एक दिन तो नौकरी सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस के बाहर कई कैंडिडेट्स का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की वजह है कि पिछले तकरीबन 8 सालों से यहाँ पर जो नियुक्ति हुई थी उसको लेकर रिजल्ट भी आया, रिटर्न एग्जाम भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज तक इन लोगों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की सीमा बच्चे के साथ धरने आंदोलन में शामिल होती आई, शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी ये कि सरकार की कराई जिस भर्ती परीक्षा में 8 साल पहले नौकरी करने की सोची, उसे पास करने के बाद भी लटकाया जाता है, भटकाया जाता है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों का ही नाम आया है, रिजल्ट क्लियर हो जाए तो कुछ लाइफ बने, बच्चे के साथ आना पड़ रहा है। अच्छा, कब से आप लोग इस तरीके का चक्कर लगा रहे हैं? सर हम लोग 8 साल से लगा रहे हैं। सरकारी नौकरी की आस में अधर में छोड़े गए ये लोग कंबाइंड टेक्निकल सर्विस से जुड़े हुए सफल अभ्यर्थी हैं, जिनके लिए नवंबर 2016 में 292 पद पर भर्ती का विज्ञापन निकला। तब सरकार अखिलेश यादव की मार्च 2017 में भर्ती परीक्षा होनी थी, चुनाव आचार संहिता लगने से टल गई। 2017 में योगी सरकार आ जाती, फिर मामला लटका रहता है। 2019 में इस भर्ती का पहला सिलेबस जारी होता है। 2020 में कोरोना की वजह से फिर भर्ती लटक जाती है। नवंबर 2021 में EWS अपडेट के लिए पोर्टल खुलता है। अगस्त 2022 में भर्ती परीक्षा होनी थी, टल जाती है। जनवरी 2023 में रिवाइज सिलेबस का नोटिस आता है। 2016 में निकली भर्ती में जाकर मार्च 2023 में परीक्षा हो पाती है। परीक्षा के फिर 1 साल बाद जाकर मार्च 2024 में रिजल्ट आता है। अप्रैल 2024 में पास हुए युवाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अब अक्टूबर खत्म होने जा रहा, अंतिम परिणाम लटका अटका हुआ है। इसी के बाद से जो लोग अब तक 19 विभागों में नियुक्ति पा सकते थे, फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ के सोमेश दिव्यांग, सरकार इनके लिए कहती है कि इन्हें विकलांग नहीं दिव्यांग कहो, लेकिन नौकरी क्यों नहीं ये लोग पाते, इस पर सिर्फ टाल मटोल। आपने एग्जाम दिया था? जी सर। तो क्या क्या एग्जाम में क्वालिफाई हुआ है? क्वालिफाई हुआ है सर एग्जाम में, जब से ये रिजल्ट जारी ना कर रहे ये लोग। 2 बार डोल गए सर, हम 2 बार घूम गए, हम एक बार अगस्त में भी आए थे, 5 अगस्त को। मैनपुरी की सोनम बलिया के विकास से, कोई रायबरेली से आया, कोई फतेहपुर से, किसी का घर बांदा है, किसी का देवरिया, इन सबको बेरोजगार बनाकर छोड़ देने वाली सरकारी कुनीत ने इन्हें एक कर दिया। लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर के बाहर बेरोजगार बनाकर प्रदर्शन करने के लिए आज तक इन छात्रों का मुद्दा लेकर ओएन सिंह यूपी ट्रिपल एससी के प्रमुख और दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के मंत्री के पास पहुंचा। संवाददाता आशीष ने पूछा, 8 साल में नौकरी नहीं दे पा रहे, ऐसी कौन सी समस्या आ गई? कुछ बच्चों के जो एक्सपीरियंसेज हैं, उनकी जीनिटी की हम लोग जांच कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास तैयार है। हाँ तैयार है, परंतु हम उसका प्रोसेस उसको असेस कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के लिए संवेदनशील है, और ऐसे कोई भी प्रकरण जब आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तो उस पर तुरंत तो कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं। इन लोगों का भी है, और बहुत जल्द समाधान इसका होगा। रोजगार के अवसर क्या ऐसे पैदा होंगे जहां 2016 की भर्ती को पूरा करने में 2024 बीत जाए, आज तक की दस्तक, तय समय में ये लटकाने भटकाने की सोच खत्म हो, तुरंत नौकरी दी जाए। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।